हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, फिगर आपके सामने है। और यहाँ पे हमें टिश्यूज के बारे में कुछ जो टर्म्स आएंगे उनके बारे में, ये ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मेमोरी ग्लैंड में, इसको टॉपिक को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। आपको आप फिगर देख रहे हैं कि बना हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया था, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो कुछ हो आप पूछते रहिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से हेडिंग लिखते हैं, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपको पता है मेमोरी ग्लैंड्स को हम ऑब्लिक करके थ्रेड्स भी बोल सकते हैं। तो बात क्लियर है यहाँ पर। अब आपको पता है कि फीमेल्स में ये आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स है यहाँ पे, और वन पेयर होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो होते हैं ये वन पेयर होते हैं। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। और राउंडेड प्रोमिनेंसेस होते हैं, और मैंने उस मसल्स का नाम बताया था, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ठीक है, तो वन पेयर राउंडेड प्रोमिनेंस हैं ओवर द पेक्टोरलिस मसल्स, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये नाम जरूर याद रखना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और कहाँ पे? ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द थोरेक्स। ठीक है, यहाँ पर। और मैंने बताया था कि जो मेल्स होते हैं उसमें रुडिमेंट्री रहते हैं, ये मैं पिछली क्लास में बताया था। मेल्स में ये डेवलप नहीं होते, मेल्स में रुडिमेंट्री रहते हैं, फंक्शनल नहीं होते हैं। फीमेल्स में प्यूबर्टी के पहले तक ये डेवलप नहीं होंगे, और प्यूबर्टी आने पे क्या होगा कि हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में इनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी जैसे ही आती है उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दो हार्मोन मैंने बताए थे कल, इनके इन्फ्लुएंस में इनका डेवलपमेंट हो जाता है फीमेल के केस में, ठीक है ना। और एक्सटर्नल साइड में एक प्रोजेक्शन होता है जिसको निप्पल बोलते हैं, और वो जो निप्पल होता है वो हाइपर पिगमेंटेड एरिया से सराउंडेड रहता है, जिसको एरियोला बोलते हैं। एरियोला, तो जो हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं। और ये निपल के चारों तरफ एक राउंडेड एरिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। एक तो बात, यहाँ पे जो भी टर्म्स आते हैं उनको जरूर समझते रहिए। क्वेश्चन सीधे सीधे जो है, आप पता है आप बोर्ड में के एग्जाम देंगे इस बार, और आप 8-10 साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और जब आप 8-10 साल के पेपर लगा लेते हैं तो ज़्यादातर आप देखते हैं कि हमें वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आ चुके होते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं थोड़ा सा जो नए पूछे जाते हैं, लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे सिलेबस तो हमेशा वही रहता है, लेकिन
वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलते हैं और घुमा के ट्विस्ट करके पूछते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि ये नया है ऐसा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान में रखना है कि जैसे ही नाम आए आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये चीज तो हमने वहां पर पढ़ी थी। तो ये एरियोला हो गया, और ये इसका जो कलर है ये पिंक होगा या लाइट ब्राउन होगा। और लाइट ब्राउन, तो कलर का मामला है, पिंक या लाइट ब्राउन हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो एरियोला होता है, ये जो हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयली सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो एरियोलर के सरफेस पर बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड हैं, ध्यान रखिएगा कौन सी ग्लैंड है। सीबम सिक्रीट करने वाले, सीबम क्या होता है, ऑयली सिक्रीशन होता है, ऑयल लाइक सिक्रीशन होता है वो, ठीक है। तो ये तो बाहर से जो स्ट्रक्चर है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये जो भी बात थी, ये अभी तक जो बात कर रहे थे ये बात थी एक्सटर्नल, ये बाहर के स्ट्रक्चर की बात थी। अगर हम लोग इंटरनली देखते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, अगर हम ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर अंदर की बात करते हैं तो उन टिश्यूज में की जो जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनका क्या काम है ये पढ़ेंगे। और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होके मेमोरी ग्लैंड बने, ये ध्यान रखना। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे एक बात हम लोग, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। टाइम के साथ मॉडिफिकेशन होता है और नई नई चीजें बनकर आती है। तो हम लोग अब जो अंदर की तरफ से उन टिश्यूज के, यहाँ पे पहले तो नाम लिख लेते हैं जो टिश्यूज पाए जाएंगे और फिर उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले सिर्फ नाम लिखते हैं, तीन तरह के टिश्यूज हमें पढ़ने होंगे, अंदर की साइड में तीन तरह के टिश्यू पढ़ने होंगे। एक तो ग्लैंडुलर, ठीक है, फिर फाइब्रस, टिश्यू नहीं लिख रहा हूं आप समझ जाना, और एडिपोज, यानी कि एडिपोज या इसी को हम लोग फैटी टिश्यू भी बोलते हैं। ये सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अगले पेज पे हम एक एक टिश्यू के बारे में बता रहे हैं और फंक्शन भी वहीं पे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो है हम लोग देखते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो ग्लैंडुलर से नाम ही समझ में आ रहा होता कि यहाँ पे बहुत ग्लैंड टाइप के होंगे, कुछ सिक्रीशन करते होंगे। तो इसमें होता क्या है कि करीब 15 से 20 जो होते हैं वो लोब्यूल्स होते हैं हर एक ब्रेस्ट में।
तो ये लोब्स हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं, ठीक है, और ये इन ईच ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोब हैं ये बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं, अभी फिगर में भी समझाऊंगा। एक बात यहाँ पे क्लियर है कि लोब्स बड़े होते हैं, लोब्यूल्स छोटे होते हैं। तो लोब्स बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं और हर लोब्यूल में ग्रेप लाइक क्लस्टर्स पाए जाते हैं। तो अब हम लोब्स के से लोब्यूल हो गए, लोब्यूल में आ जाते हैं। ठीक, तो बात आ गई कि टिश्यू पहला पढ़ रहे थे ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर इसलिए कि यहाँ ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पे 15 से 20 लोब्स होते हैं हर एक ब्रेस्ट में, और हर एक लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल जो होता है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से मिलकर बना होता है, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, 15 से 20 लोब्स हो गए, फिर उनमें लोब्यूल्स हो गए, लोब्यूल्स में ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हो गए, इनको एल्वोलाई बोलते हैं। इतनी चीज ध्यान रखना है, हम लोग टिश्यू की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिगर में तो देख ही लेंगे अभी, तो जो जो चीजें हैं, अब क्या होगा, आपको पता है कि मिल्क बनेगा, ठीक है, कहाँ पे, जो एक ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं एल्वोलाई, यहाँ पे बनेगा, जो मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर यहाँ बनता है, फिर मेमोरी डक्ट में आता है, इसका हम लोग एक सीक्वेंस लिख लेंगे, ठीक है, और फिगर देख लेंगे। तो हम पहले जो है एक सीक्वेंस लिखते हैं कहाँ कहाँ बनता है, आपके आपके पास फिगर रहता है, आपकी बुक में भी फिगर बना हुआ, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखते हैं कहाँ बना कैसे आया, फिर फिगर देखते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंस क्या है कि मिल्क बना कहाँ पे, मेमोरी एल्वियोलाई में, यहां पे बना, यहां से निकल के पहुंचा ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल में पहुंचा, फिर मेमोरी डक्ट में, डक्ट में, फिर एम्पुला में, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, और फिर बाहर आ जाएगा। ये सीक्वेंस है आपका, ये आपका सीक्वेंस है कि मिल्क कहाँ बना, ये बना नंबर एक यहाँ पे, फिर नंबर दो पे आया, फिर डक्ट में आया, फिर एम्पुला में आया, और ये यहाँ पे आपका लैक्टिफेरस डक्ट में आ गया। तो इस तरह से मिल्क यहाँ पे बनता है। अब हम लोग फिगर देखते हैं, तो फिगर के साथ थोड़ा सा देखने में समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में फिगर बना रहता है आपका, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, जिसके ऊपर मैंने बोला कि ये रहते हैं, और ये तो इंटरकॉस्टल्स वगैरह मसल्स वगैरह, ये रिब्स हैं, आपको पता है, रेस्पिरेशन पड़ा,
एरियोला ये जो रीजन होता है ये निप्पल हो गया, ये लैक्टिफेरस डक्ट देखिए वहां पे नाम आया, एम्पुला नाम आया, मेमरी डक्ट आया, मेमरी एल्वेलाई आया, मेमरी लोब आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लोब है ठीक है वो ये वाला पोर्शन है जो बड़ा सा बना है ठीक है, और उसके अंदर फिर देखिए ये एल्वुलस देख रहे हैं, ये एल्वुलस देख रहे हैं बहुत सारे। फिर आप देख रहे हो ये मेमरी डक्ट है, ये जो थोड़ा सा स्वेलिंग वाला पार्ट है ये एम्पुला है, और ये लैक्टिफेरस डक्ट है। अब बहुत सारी लैक्टिफेरस जब डक्ट मिलती है वो निप्पल से बाहर निकलते हैं ठीक है, बात क्लियर है। तो आपको ये मेरे ख्याल से यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्वुलाई में यहाँ पे एल्वुलस में बना, फिर ट्यूब्यूल में आया, फिर मेमरी डक्ट में आया, ट्यूब्यूल नहीं बना हुआ कोई बात नहीं, फिर एम्पुला में आया, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में आया, और ये बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट मिलती है बाहर की आती। तो यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से, तो एक बार फिर से पहले वाला पेज दिखा दो ठीक है। तो भावना ये देख लो आप कह रहे थे, तो मैंने ये पेज आपको फिर से यहाँ पे दिखा दिया है। और ठीक है यस बोल देना जब आप ये वाला पेज का काम खत्म हो जाए, तो यस बोलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेज भी आप देख लीजिए, आपके सामने पेज ओपन है, और जो चीज आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ूं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो ये फिगर था आपके एनसीईआरटी का ही फिगर मैंने यहाँ पे लिया है, और बस आप ध्यान रखिए कि क्या होते हैं कि मेमोरी एल्वेलाई छोटा पार्ट है, उससे बड़ा ट्यूब्यूल है, वो फिर डक्ट हो गया, फिर एम्पुला बना, ऐसे जा रहे हैं। तो एल्वेलाई जो था वो लोब्यूल्स एल्वेलाई ऐसे चलना है ठीक है, यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, फिर वो डक्ट के थ्रू आगे जाता है ठीक है। चलिए अब अगला दूसरे नंबर के टिश्यू पे आ जाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोल रहे थे फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, इस सपोर्ट करता है एल्वुलाई को, डक्ट को। अब अंदर इतने सारे एल्वुलाई हैं, डक्ट हैं, तो उनको उन्हें अपनी जगह पे रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पता है टिश्यूज की जरूरत होती है। तो फाइबरस टिश्यू का काम होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या करता है, ये सपोर्ट करता है एल्वुलाई और डक्ट्स को। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसका ये काम है कि सपोर्ट करने के लिए, अदरवाइज जो है चीजें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी। फिर तीसरे नंबर के टिश्यू पे आते हैं जो साइज देता है ब्रेस्ट को, जिसको हम लोग फैटी टिश्यू बोल सकते हैं, या एडिपोज, आपको पता है एडिपोज टिश्यू, तो फैटी या एडिपोज टिश्यू बोल सकते हैं। और ये जो लोब्स हैं
ठीक है ना, ये कहाँ पे मिलता है बता दूं मैं, फाउंड बिटवीन द लोब्स एंड कवर्स द सरफेस ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, लोब्स के बीच में ग्लैंड के सरफेस कवर करेगा और ये एडिपोज टिश्यू डिसाइड करता है साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, तो ब्रेस्ट के साइज को डिटरमाइन करने वाला, तो इतनी बात है तीनों टिश्यू के बारे में, इतनी पूछी जाती है, इतने से ज्यादा नहीं पूछी जाती है। तो हम लोग टिश्यूज में हमने देखा कि ग्लैंडुलर टिश्यू देखा, ग्लैंडुलर टिश्यू में हमने बोला कि भाई 15 से 20 लोब्स होते हैं हर ब्रेस्ट में, जरूर ध्यान रखना है, और हर लोब बहुत सारे लोब्यूल से बन के बना होता है और लोब्यूल्स कंपोज करता है बहुत सारे जो लोब्यूल होते हैं वो किन से बनता है, ग्रेप लाइक जो क्लस्टर्स हैं उनसे मिलकर बनता है और इन मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड है ये, इनको एलवोलाई बोलते हैं। ठीक है, जो पाथ था वो आपने देख लिया है, जो आप देख रहे थे जो पाथ था कि मिल्क कहाँ से कहाँ, तो मेमरी एलवोलाई, फिर लोब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्पुला और लैक्टिफेरस ग्लैंड, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ग्लैंड देखे वहाँ निप्पल में आपको देख रहे थे। ये आप फिगर अगर यहाँ देखते हैं, देखिए ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर, तो एक तो बात आपकी ये क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम लोग फाइबरस टिश्यू नंबर दो पे जो टिश्यू है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एल्वोलाई को और डक्ट को। तीसरा आपका फैटी टिश्यू है, ये जो होता है बिटवीन लोब्स एंड कवर्स द सरफेस ऑफ ग्लैंड वहां पे, और ये साइज ऑफ द ब्रेस्ट डिसाइड करेगा, कोई डाउट नहीं। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड में था क्या होता है कि जब डेवलपमेंट चल रहा था तो एकदम से सारी चीजें, तो मैमल्स तुरंत तो बने नहीं थे, आपको पता है कि हम लोग जब कॉर्डेट्स पढ़ते हैं तो मैमल्स सबसे आखिरी में आते हैं, तो पहले बॉडी के अंदर जो चीजें होती थी उनकी जो जरूरत थी, फिर इसके बाद हमको और किसी चीज की जब रिक्वायरमेंट होती तो हमारे अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे किसी को उड़ना है, एक बर्ड को उड़ना है, तो बर्ड के जो फोर विंग्स हैं वो उनका मॉडिफिकेशन हुआ, विंग्स बने, और हमारे जो हाथ है वो अलग अलग कामों के लिए। ऐसे ही स्वेट ग्लैंड थी पहले, और फिर जब मैमल्स का ओरिजिन होने लगा और मैमरी ग्लैंड की जरूरत पड़ने लगी तो वो मॉडिफाइड होके मैमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हुए, बस ये मतलब होता है, यानी कि वो स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड हो गई, वही स्वेट ग्लैंड थे पहले जो मॉडिफाइड होके मैमरी ग्लैंड बन गए, तो इनकी ओरिजिन स्वेट ग्लैंड मेगा। ठीक है, और कोई जिसको कोई डाउट हो, तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने अंदर और बाहर स्ट्रक्चर श्रेष्ठा सर, हाउ मच लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, तो अगर लोब्यूल्स की हमें काउंटिंग नहीं करनी है, लोब्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, तो लोब्यूल्स की काउंटिंग नहीं करनी, हमको लोब्स जानना है, 15 से 20 लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स के बारे में नहीं जानना है, नंबर ऑफ एल्वोलाई जो ग्लैंड है उसके बारे में नहीं जानना।
सेबेसियस ग्लैंड प्रिया होते हैं जो सीबम सिक्रीट करते हैं, जैसे ऑयली ग्लैंड जो होते हैं, ये जो हमारी स्किन में ऑयल निकलता है। देखो हमारे स्किन में दो तरह की ग्लैंड है, एक तो स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड क्या होता है कि वो जो पानी वाला सिक्रीशन है वो स्वेटिंग होती है, और एक हमारे स्किन में ऑयली सिक्रीशन होता है वो सीबम होता है। तो स्वेट ग्लैंड ऑयली सिक्रीशन करते हैं, और सेबेसियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड वाटरी सिक्रीशन करते हैं पानी जैसा, और सेबेसियस ग्लैंड ऑयली सिक्रीशन करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आरती कुमारी आ रही आवाज? आरती कुमारी कह रही है आवाज नहीं आ रही है। अब बताओ आरती आवाज आ रही है? ठीक है, तो आवाज आ गई है आपको, अच्छी बात है। तो फंक्शंस वगैरह देखते हैं मेमरी ग्लैंड के, फंक्शंस क्या है। जो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन है, तो आपको पता है मिल्क बनाना, तो मेन फंक्शन जो इसका है, जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क क्या है इसका मेन फंक्शन, ठीक है। तो सिक्रीशन इजेक्शन इसका मेन फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। और तो सिक्रीशन इजेक्शन इसका मेन फंक्शन है। इजेक्शन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ मिल्क, मिल्क बनाना और बाहर निकालना, तो ये मेन फंक्शन है इसका, ठीक है ना। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं लैक्टेशन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लैक्टेशन, यानी कि, और ये जो लैक्टेशन होता है ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। और लैक्टेशन जो एसोसिएटेड होता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लैक्टेशन यानी कि मिल्क का बनना निकलना, ये रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी से और चाइल्ड बर्थ से, ठीक है ना। और हार्मोन का तो जानते हैं, बिना हार्मोन के तो कुछ काम नहीं होना है। तो क्या करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन जो होता है stimulated by prolactin, prolactin एक हार्मोन है। तो मिल्क सिक्रीशन जो होता है वो prolactin से stimulate होता है। किससे stimulate होता है? prolactin से stimulate होता है। और पूछ सकते भाई प्रोलैक्टिन आया कहाँ से, तो आपने ग्लैंड्स पढ़ रखे हैं, अगर आप बता सकते हैं, चलिए बताइए, अच्छा प्रोलैक्टिन कहाँ से आ रहे हैं, बताइए प्रोलैक्टिन कहाँ से आ रहे हैं, प्रोलैक्टिन कहाँ से आया टाइप करके बता सकता है कोई बिना गूगल में देखे हुए? बिना गूगल में देखे हुए बताना है।
कोई नहीं बता पा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है। सेस्टर ने बताया 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सेस्टर ने सिर्फ बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड बोला इन्होंने, ये भी नहीं बताया कि कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ये नहीं बता रहे। पिट्यूटरी में तो एंटीरियर पोस्टीरियर था, कौन से ये भी बताना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मेगा ने कहा कि सर नॉट श्योर, मेगा को श्योर नहीं है, मेगा पता नहीं कहाँ पानी बरसा रही है। फिर मेगा ने बोला बाद में कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी मान लेते हैं। राजन कुमार समझ में, भैया राजन कुमार क्या कह रहे हो, समझ में ढंग आए तो ना, मतलब क्या होता है जरा इसका समझाना राजन, जरा मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मतलब समझा दो मुझे। तुम कह रहे हो समझ में ढंग आए तो क्या होता है, किस क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? राजन तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा तो बेटा पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ऊपर से जाया करता है। जब कोई पढ़ता नहीं तो ऊपर से जाया करता है, जब इतना सिंपल तरीके से तुमको ना समझ में आएगा तो फिर क्या किया जाएगा बताओ? तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, क्या ऊपर से जा रहा है? कौन सी ऐसी कठिन चीज पढ़ाई गई है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, पूछ सकते हो? जब कहा समझ में आया तब कहते हो ओके सर, जब सारी चीज पूछते हैं भाई समझ में आया ओके सर, ओके सर, और अभी तुम्हारे ऊपर से जाने लगा। ये दो तरह की बातें कैसे हो रही है कि ओके सर भी बोल रहा है और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा? रजनी सर सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ सर, सारी बातें सुन रहा हूँ। जब इनको मैं पूछता हूँ तो ओके सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं ऊपर से आ रहा है, एक ये है जिनको ऊपर से जा रहा है, इनको समझ में सब आ जाता है फिर इनके ऊपर से चला जाता है। मैं बात कर लूंगा फोन पे भी, हो सकता है रिवीजन ना किया हो इसलिए नहीं बता पा रहे, कोई भी रिवीजन करेंगे घर पे ना। देखिए जब लेक्चर चल रहा है तो पूछें ये। जी जी मैं बात करूंगा, अगर पूछेंगे नहीं तो आगे तो हम बढ़ जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इनको ये बात नहीं समझ में आ रही? सब लोग जैसे पूछ रहे हैं आप भी पूछिए कि हमको ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला फिगर नहीं समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मिल्क के सिक्रीशन के लिए जरूरी है, और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये आपका जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में लिखा हुआ। अब मिल्क बंद तो गया, मिल्क को निकलना भी पड़ेगा, तो एक ऐसा हार्मोन जो मिल्क को निकालने में, इजेक्शन करने में हेल्प करे, और जो स्मूथ मसल्स के काम करता है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है और मिल्क बाहर आता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, तो हम यहां लिखते हैं डाइजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है यह भी पिट्यूटरी से, लेकिन यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन कहां से है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ गया, देखिए दोनों पिट्यूटरी से, बस एंटीरियर पोस्टीरियर का ख्याल रखना है हमको। तो ऑक्सीटोसिन कहां से आ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी से,
भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ गया, प्रोलैक्टिन कहाँ से आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ गया। एक मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, दूसरा इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक ना। जो हाइपोथैलमस क्या होता है कि हाइपोथैलमस बनाता है, सिंथेसाइज करता है, लेकिन आया कहाँ से है, हाइपोथैलमस में श्रेष्ठा, हाइपोथैलमस में सिंथेसाइज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक्युमुलेट होगा, तो वहां से रिलीज हमारा पोस्टीरियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछा गया, आपसे पूछा जाए भाई सिंथेसिस कहाँ पे हुई, तो हाइपोथैलमस में, और निकला कहाँ से, रिलीज कहाँ से हुआ, वो ऑक्सीटोसिन से। फंक्शन काम कहाँ पे करता है, ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम है स्मूथ मसल्स पे काम करना, उसको कॉन्टेक्ट कराना। तो श्रेष्ठा मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन दो नाम से भी जाना गया यहाँ पे, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है। तो बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन दोनों इसको बोलते हैं, स्मूथ मसल्स पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऐसी बर्थ में ये कॉन्ट्रैक्शन की जहां जरूरत होती है वहां भी ये काम कराता है स्मूथ मसल्स पे, और यहाँ पे ये आपका जो मेमोरी ग्लैंड है वहां पे काम। तो ये आपका हार्मोन के बारे में मैंने बता दिया। तो मेमोरी ग्लैंड का हम देख रहे थे, तो मेमोरी ग्लैंड में हमारा जो मेन फंक्शन है वो सिक्रीशन और मिल्क इजेक्शन है, तो यानी कि रिलीज ऑफ मिल्क। इसको हम लोग लैक्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लैक्टेशन जो एसोसिएट होता है प्रेगनेंसी, यानी आपको पता है ये मिल्क का निकलना और ये जो बनना है, देखिए मेमोरी ग्लैंड तो पहले ही से थे सबसे, लेकिन जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती, और प्रेगनेंसी का जब लास्ट टाइम चल रहा था उस टाइम से मिल्क बनना ये चालू होता है, और मिल्क का निकलना, तो मिल्क का बनना और निकलना दोनों जरूरी है, ठीक है।
आ रही आवाज? आ रही है अब आ रही मेरी आवाज? जरा एक बार चेक करके बताना। ठीक है चलिए, तो आ रही आवाज। और मैं बता रहा था कि मेन फंक्शन सिक्रीशन इजेक्शन ऑफ मिल्क है, और ये इसको लैक्टेशन बोलते हैं, दोनों को मिला के लैक्टेशन बोलते हैं। और जब भी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की बात होती तभी ये ऐसा होता है। और जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो प्रोलैक्टिन के थ्रू स्टिमुलेट होता है। किसके थ्रू? प्रोलैक्टिन। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, और एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाती है। पोस्टीरियर में जो हार्मोन इकट्ठा होते हैं वो थैलमस से, हाइपोथैलमस से आते हैं। जो इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, यहाँ एक्युमुलेट होता है। रिलीज आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगा, लेकिन बनता कहाँ से? ये हाइपोथैलमस से। ठीक है, हम इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। यहां तक बात ना जिसको समझ में आई हो वो पूछ सकता है। यहां तक की बात अगर क्लियर हो तो फिर आगे चला जाए। तो सबको मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी यहां तक। और एकदम सिंपल जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप ऐसे ही याद रखिए, ऐसे ही अपने पॉइंट बना के रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन पढ़िए, रिवीजन करिए, और कोई दिक्कत हो मैसेज करके यहाँ पे जिस टाइम पे क्लास चल रही है उस टाइम पे आप पूछ लीजिए। लेकिन लेक्चर के बाद अगर आपने रिवीजन नहीं करा है या फिर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फिर ये आपकी गलती है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। और मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं एनसीईआरटी प्लस करके पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ह्यूमन मिल्क में क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ह्यूमन मिल्क में कंटेंट की अगर बात करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये अगर पूछेगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। वाटर, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, वाटर है, हम भी एनिमल हैं श्रेष्ठा, और जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं उनमें मैमरी ग्लैंड पाई जाएगी, चाहे काऊ हो, बफेलो हो, गोट हो, कैमल हो। ठीक है, तो हाँ, जो भी आपके मैमल्स की कैटेगरी में आएंगे उन वो मैमल्स की कैटेगरी में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड फीचर है। मैमल्स मेमोरी ग्लैंड से ही रिलेटेड है, इसीलिए दो मेन कैरेक्टर होते हैं बॉडी में, हेयर होना और मेमोरी ग्लैंड का होना, इस वजह से हम उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मैमल हो। और अभी आपको वहां पे जब हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, वहां पे कॉर्डेट के टाइप थे, वहां भी हमने चीजें देखी थी। तो इतने ये सब्सटेंसेस यहाँ पे पाया जाएगा, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो जैसे कि फैट की बात करते हैं, फैट, ठीक है, तो इसके अलावा एक कैसिन का नाम सुना होगा अगर आपने, ये मिल्क प्रोटीन होता है, ये होगा। लैक्टोज का भी नाम सुना होगा, ये मिल्क सुगर होता है। ठीक है, मिनरल साल्ट्स होंगे, जैसे कि यहां पे लिख देते हैं हम लोग, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी वहां पे, एक्सेट्रा। विटामिन्स भी होंगे, ठीक है, और
मिल्क में आयरन होता है लेकिन आयरन बहुत कम होता है। मिल्क आयरन कंटेंट में पुअर होता है, ये ध्यान रखिए, बहुत कम होता है। तो मिल्क से आयरन कम मिलता है, बाकी चीजें सब मिल रही हैं, ठीक है। और विटामिन सी बहुत, एक क्वेश्चन ये भी कहीं पूछा गया था कि विटामिन सबसे कम क्वांटिटी में, तो विटामिन सी हो जाता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन सी बहुत कम क्वांटिटी में होगा, और आपको पता है कि इतनी चीजें यहाँ पे पाई जाएंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये वाटर ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, फैट है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, और कैसीन जो कि मिल्क प्रोटीन है, लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, मिनरल्स में यहाँ पे हैं, और विटामिन्स हैं, और आयरन जो होगा वो पुअर है, कम है, विटामिन सी काफी स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाएगा। तो ये पुअर और वेरी स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या, दोनों एक ही अमाउंट होंगे? एक ही बात है, पुअर का मतलब होता है कम क्वांटिटी में पाया जाना, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं है आयरन का उसमें, ठीक है। तभी आप देखते हो कि लोगों को एनीमिया हो जाता है, आयरन कमी होती है, तो लोग बोलते हैं पालक खाओ, ये सब खाओ। तो दूध एक अच्छा न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं है, तो उसके लिए फिर अलग से, तो इसलिए आयरन कम पाया जाता है, विटामिन सी कम पाया जाता है। और श्रेष्ठा पूछ रही है कि प्रोलैक्टिन इंक्रीज करेगा ह्यूमन बॉडी में, तो जब प्रोलैक्टिन, देखिए हार्मोन्स का क्या होता है कि हार्मोन ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, हार्मोन एग्जैक्ट क्वांटिटी में होना चाहिए। आपने 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि हाइपर और हाइपोसिक्रीशन, अगर किसी हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा है तो वो हाइपर इफेक्ट डालेगा, उस चीज़ को बढ़ाएगा, और कम है तो उसको घटाएगा, ठीक है। तो फिर इसका लैक्टेशन में हाइपर इफेक्ट आएगा, प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा है, ठीक है। ठीक, तो हार्मोन का ज्यादा होना या कम होना इश्यू कॉज करेगा, चाहे वो ज्यादा हो जाए वो कम हो जाए, दोनों केसेस में इश्यूज आएंगे, ठीक है, दोनों केसेस में इश्यूज आएंगे। तो ये जो मिल्क का प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रीशन पता है, ये नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती है, आपको मालूम है, ठीक है। और ये जो फीमेल की साइकिक कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम तो रेगुलेट कर रहा है, हार्मोन्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन साइकिक की, अगर किसी फीमेल को टेंशन है, डिप्रेशन है, तो जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोसेस है, सिक्रीशन है, तो ये जो इसका जो रेगुलेशन है, ये तो नर्वस सिस्टम तो आपको पता ही है, नर्वस सिस्टम तो कर ही रहा, लेकिन ये साइकिक कंडीशन है, जो साइकिक स्टेट है ऑफ मदर, उस पे भी डिपेंड करेगा। डिप्रेशन के टाइम पे अगर डिप्रेशन है तो पता है कि चीजें इफेक्ट हो जाती है, हार्मोन्स उसी हिसाब से फिर काम करने लगते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का रोल है, साइकिक कंडीशन है, हार्मोन्स है, ये मिल्क के प्रोडक्शन को, सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स ने आपने देख ही लिए वहां पे, और जो ओवरीज हैं, एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है,
ये भी थोड़ा रोल प्ले करते हैं, हालांकि आपके उसमें पूछा नहीं जाता लेकिन मैंने आपको बता दिया। जो एक नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ मिल्क है बाय जो मदर है जो मिल्क उसको बच्चे को फीड करा रही है, जिसको हम नर्सिंग वूमेन बोलते हैं, ठीक है, जो मदर बच्चे को फीड करा रही होती है उसको नर्सिंग वूमेन बोलते हैं, वो करीब अमाउंट जो है 1 to 2 liter पर डे होता है, पर डे यानी 24 आवर्स में इतना होता है। तो आप देखिए कि जो इंडोक्राइन ओवरीज हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड ये भी है, और जो नर्सिंग वूमेन होती है तो वो जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो 1 to 2 liter पर डे होता है। साइकिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि अब कोई टेंशन है, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है तो आदमी परेशान होता है, वो उसकी साइकिक कंडीशन है। डिप्रेशन इज अ साइकिक कंडीशन, उसमें आता है। अभी तो साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, वो डॉक्टर को दिखाते हैं भाई कि डिप्रेशन वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि जो कंडीशन थी, जो चीजें थी वो क्या थी। तो इतना ये देखिए यहाँ आपका खत्म हो जाता है फीमेल ऑर्गन्स जो पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, और मेल पहले ही पढ़ लिए थे। साइकिक कंडीशन आप तुम समझ रहे हो ना, साइकिक कंडीशन का मतलब कि एक माँ है जिसका छोटा बच्चा है, वो डिप्रेशन में है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जो मिल्क अमाउंट है उतना नहीं आया, तो टेंशन है उसको, इसलिए आप पढ़ाई करते हो और आपको टेंशन हो जाए तो आपको उतना अच्छा दिमाग काम नहीं करेगा, आप उतना अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बॉडी में हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही होती हैं उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग सोशल ऑर्गेनिज्म है, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग लोगों के प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, इसलिए हम खराब चीजें होते हुए देख के परेशान हो जाते हैं और जब अच्छी चीजें हो रही होती तो खुश होते हैं। ये कंडीशन होती है साइकिक कंडीशन। किसी को और डाउट हो, यहाँ हमारे दोनों ऑर्गन, ये जो टॉपिक थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ अगर अभी किसी को यहाँ तक वाले में डाउट हो तो पूछ सकता है। तो इधर कोई डाउट नहीं है किसी को, तो पहले जो मैंने पढ़ाया उसको आप जो है इसको एक बार अपने से सही से पढ़िए, रिवीजन करिए, एनसीईआरटी किताब जरूर खोलिए। एनसीईआरटी किताब आप लोग रखे रहते हो, खोलते नहीं हो, जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ के एनसीईआरटी किताब देखिए, जो मैंने पढ़ाया उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद एनसीईआरटी किताब देख लीजिए, और कोई भी फिर देखिए कोई कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है अगले के, इस तरीके से आप अपना एकदम अपने आप टाइमिंग को सेट कीजिए, शेड्यूल बना के रखिए कि हमको जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है, इसके बाद एनसीईआरटी को देख लेना है, और फिर अगर कोई चीज नहीं आती तो अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेना है। इसी तरीके से आप पढ़ाई का एक अपना सिस्टम बना लीजिए, और अगर यही सिस्टम आपका रहेगा पढ़ने का एग्जाम तक, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपके अपने स्कूल के एग्जाम हो, तो आपको काफी अच्छा देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ जाएगी। तो ये एक तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो सब आपको ठीक लगेगा, टाइम से भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं पढ़ने के लिए, वो हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग मेल के लिए गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन।
तो मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट होते हैं आपको पता है, और ये जो गैमीट होते हैं मेल फीमेल जो गैमीट होते हैं, ये मेल हमें पता है कि जो ह्यूमन है ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं, अलग अलग बॉडी है, तो गैमेटोजेनेसिस जो होगा वो मेल का फीमेल का आपको पता है अलग अलग बॉडी में होगा। और जो मेल के लिए केस होगा तो हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल के केस में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे ऊजेनेसिस। दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि रिविजन जरूर करते रहें, क्योंकि आजकल थोड़ा फास्ट चल रहा है, सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ तो अभी थोड़ा सा थकान सी हो रही है, और फास्ट खोलने का टाइम है तो कुछ तैयारियां करनी होंगी, तो मैं इतना ही रखूंगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैमेटोजेनेसिस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोई चीज पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। क्या दिया, इनफंडिबुलम, ठीक है, किसी को डाउट हो पूछ सकता है कहीं भी। तो श्रेष्ठा तुम पूछे सर बुक में इनफंडिबुलम दिया है वो क्या है, श्रेष्ठा पढ़ाई नहीं कर रही हो, इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट है, पढ़ाई नहीं था इनफंडिबुलम एम्प्लास्थमस, बोलो इनफंडिबुलम पहला पार्ट, तो फिर कहाँ खोई रहती हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो सही से, पढ़ाई करो मन लगा के, आजकल तो फुर्सत ही फुर्सत है, घर से भी नहीं निकलना, घर ही में रहना दिन भर, सही से पढ़ो, उठ उठ के सो सो के जैसे चाहो अपना पढ़ती रहो रात दिन, खाना खाओ पढ़ाई करो, खाना खाओ पढ़ाई करो, क्योंकि ऐसा कर रहे हो खाना खाए सो गए, खाना खाए सो गए, ऐसा तो नहीं कर रहे। अच्छा मैंने बुक कल, अरे बुक तो तुमने कल ली है, पढ़ा तो हम रहे ना, बुक लेने से क्या होता, कल लो या ना लो इससे क्या मतलब, इनफंडिबुलम पार्ट पहला है बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सबके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए बुक की, उसमें अंडरलाइन करके रखेंगे और मार्क करते रहेंगे ताकि रिविजन में हेल्प हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, स्कूल का काम करना भी जरूरी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना ये आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है, रिवीजन करना आपका काम है, और फिर उसमें से क्या डाउट निकलते हैं पूछना भी आपका काम। और लोग बाकी जितने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, करीब 14-15 लोग हैं, उनमें से 2-3 लोग पूछते रहते हैं, बाकी लोगों को क्या हो जाता है, मेघा श्रेष्ठा राजन प्रिया है, इसके अलावा अन्नू ने एक बार पूछा, इसके अलावा क्या सब लोगों को सब कुछ आता है क्या, लगता है बाकी सबको पूरा आता है तो इसलिए उनको पूछने की जरूरत नहीं, ये भी अच्छी बात है, अगर पूरा आता है तो ठीक है। और सभी लोग इसमें जो ये स्क्रीन आती है इसमें वीडियो तो सबका स्टॉप रहता है, लेकिन इसमें आप लोग अपनी अपनी फोटो भी लगा के रखे ताकि हमें पता चले कौन कौन से महारथी हैं ये और किसको कितना डांटना है, शकल नाम याद नहीं रहते मुझे, तो शकल से मैं जान जाऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं, उनको कितना डांटना है कितना नहीं डांटना, तो अपनी फोटो भी लगा के रखें। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, पढ़िए, जो डाउट हो उनको पूछते रहिए और क्वेश्चंस करिए, व्हाट्सएप में पूछ लीजिए जैसे चाहें। तो इसलिए जो है
एनसीईआरटी सब ने 11th में गड़बड़ी करी थी तुम लोगों ने, एनसीईआरटी बहुत सारे लोग लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस बार इस साल ये ऐसा नहीं करना है, एनसीईआरटी जरूर रखें हाथ में, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए बाय बाय।